हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकिब सिद्दीकी और आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ क्लास 9th और 10th का लेक्चर लेके, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। मैंने एक बात कही 9th और 10th, मेरा कहने का मकसद ये है कि ये ऐसा टॉपिक है जो क्लास 9th में भी है और क्लास 10th में भी है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्लास 9th में भी है और क्लास 10th में भी है, और तीन बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन जो न्यूटन ने दिया था वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, आप लोग ये चीज़ बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि न्यूटन के सारे लॉ, मोस्टली सारे लॉ किसके लिए बनाए गए हैं? द बॉडी विच आर मूविंग एंड द बॉडी विच आर एट रेस्ट एज वेल। ठीक है, अब हम लोग शुरुआत करेंगे न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, तीन इक्वेशन हैं, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा और 9th वालों ने भी, उनका फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो तीन चार टर्म्स हैं जिसको हम लोग यहाँ पे पहले समझ लेंगे। आपका पहला टर्म होता है यू। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। फिर आपका यूज करेंगे हम लोग फाइनल वेलोसिटी, ये दोनों ही आपकी मीटर पर सेकंड में होंगी। फिर आपका आएगा टी, मतलब कि टाइम। कितने होगा? सेकंड से होगा। और फिर आपका आएगा एस, ये आपका डिस्प्लेसमेंट। फिर आपका आएगा ए, ये है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब इनके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। पहली इक्वेशन हमारी थी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब देखिए हम लोग ने जो पढ़ा हुआ है एक्सेलरेशन के बारे में, क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इसे मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, वो यहां पे 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा है, और ए पॉइंट पे जब उसको देखा गया और बी पॉइंट पे गया तो वो 50 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 0.5 आवर लगी। तो ऑब्वियसली हमारी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन हो रहा है। अगर वेलोसिटी का चेंज पॉजिटिव है, मतलब 50 - 30 क्या आ रहा है, एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, मतलब कि 20 मिल रहा है, तो हमारी बॉडी क्या हो रही है? एक्सेलरेट हो रही है। अगर यहीं पे हम ब्रेक अप्लाई कर दें, यहाँ पर 30 है, फाइनली 0 हो जाए या 10 हो जाए या 5 हो जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा? रिटार्डेशन। ठीक है, जिसे हम लोग दूसरे सेंस में डिसेलरेशन भी बोलते हैं, मतलब कि हमारी फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं ये अभी 30 है, फाइनल वेलोसिटी मान लिया 10 हो गई। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल माइनस इनिशियल टाइम। तो 10 - 30 क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। एक बात याद रखिएगा, न्यूमेरिकल करते वक्त ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका आंसर एक्सेलरेशन का नेगेटिव में आ रहा है, दैट मींस कि बॉडी इज कमिंग टू रेस्ट या बॉडी इज डिक्रीजिंग इट्स स्पीड एंड द डिसेलरेशन इज गोइंग ऑन। ओके, तो चलिए देखते हैं, मान लेते हैं ये तो एक वर्चुअल डेटा है। मान लेते हैं कि हमारी यहाँ पे क्या है कि ये बॉडी यू पे, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, जहां से मोशन को हमने देखना शुरू किया है वहां पे वेलोसिटी क्या है? यू है। ठीक है, अब ये रेस्ट भी हो सकता है या चलते चलते गाड़ी के बीच में हमने, टाइम ड्यूरेशन के बीच में हमने क्या किया, वेलोसिटी को चेक कर लिया कि भाई हमारी ये वेलोसिटी है। तो इट मे बी एट रेस्ट और इट मे बी एट डेफिनेट वेलोसिटी। और कुछ वक्त के बाद मान लेते हैं यहाँ पे टी इज इक्वल टू क्या था, T1 था, और यहाँ टी इज इक्वल टू T2 है, और यहाँ फाइनल वेलोसिटी V2। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट मींस कि v माइनस u अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है? अब मान लेते हैं कि T2 माइनस T1 हमारा क्या है, ये हमारा T के बराबर है। तो हमें ये इक्वेशन कैसे मिल जाएगी? a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। यहां से पीछे जरा, ये हो जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए टी प्लस यू, या इसको दूसरे सेंस में समझे, अरेंज करके v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस चीज को आप लोग नोट कर लें। और एक्सेलरेशन हमारा किसमें होगा? डिस्प्लेसमेंट हमारा मीटर में होगा, और एक्सेलरेशन किसमें होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में।
ये पहली इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ड्राइव करके देख लिया, बहुत ही आसान है, इसे आप लोग नोट करें। आई होप कि आप लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन को नोट कर लिया होगा। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। हमारी सेकंड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है। और तीसरी इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब फर्स्ट इक्वेशन और ये आपकी सेकंड इक्वेशन और ये आपकी थर्ड इक्वेशन। तो इस चीज में हम लोग देख सकते हैं कि सारे टर्म्स से हम लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं, उनके सारे यूनिट्स वगैरह भी हमें पता है, तो हम लोग इन तीनों इक्वेशन का यूज करके डिफरेंट तरीके के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, अक्सर लोग कंफ्यूजन में कहते हैं डिस्टेंस है, नहीं ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। एस हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया ये डिस्प्लेसमेंट है, और ए हमने मेंशन कर दिया ये एक्सेलरेशन है। अब कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, मान लीजिए लेट द बॉडी is starting from rest, and the body is starting from rest. Rest से अगर body start हो रही तो जाहिर सी बात है initial velocity क्या होगी, zero होगी। That means कि हम लोग use करेंगे क्या, u equals to zero। तो हमारी इन तीनों equation में changes क्या आएंगे, v is equal to, इसमें u is equal to zero रखिए तो at मिल जाएगा, और इसमें आप zero रखिए तो v square is equal to क्या आएगा, two as, जिसको हम लोग solve करके ले सकते हैं, ठीक है। मतलब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई, थर्ड इक्वेशन में क्या होगा, s इज इक्वल टू आपका आएगा हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब कि u हमारा जीरो हो चुका है, ठीक है। इसे आप लोग नोट करें। अब हमारा दूसरा केस, बॉडी या ऑब्जेक्ट फाइनली कम्स टू रेस्ट। तो हमारा v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, जीरो इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ए इज इक्वल टू माइनस यू अपॉन टी। एक चीज यहां पे आप देख सकते हो कि एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव में आ रहा है। इसका क्या मतलब है, एक्सेलरेशन नेगेटिव में आने का मतलब है अगर कोई बॉडी रेस्ट पे आ जा रही है तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, कम है, और इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इस केस में क्या होता है, हमारा डिसेलरेशन होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। इस चीज को भी आप लोग नोट करना। अब देखिए हमने एक बेसिक फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, f is equals to ma, मतलब कि ma क्या है, v2 minus v1 upon t2 minus t1, ठीक है, ये पढ़ा है। और हमने तीन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, v is equals to u plus at और v square is equal to u square plus 2as, और एक पढ़ा है s is equal to ut plus half at square, ठीक है। ये चीजें आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए। अब हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे। A truck of mass five into ten to the power three kg is starting from rest. And covers 0.5 किलोमीटर इन 10 सेकेंड्स। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, फोर्स इज अप्लाइड ऑन, कैलकुलेट। पहला है द एक्सेलरेशन एक्वायर्ड बाय द ट्रक
दूसरा है द फोर्स अप्लाइड, ठीक है। अब देखिए न्यूमेरिकल करने का अप्रोच ब्लाइंडली हमें शुरू नहीं कर देना कि बस ऐसे किया शुरू कर दिया। पहला काम जो डिटेल्स हमें दी हुई है उनको हम साइड में नोट करेंगे, मतलब कि हमारा मास कितना दिया हुआ है 5 × 10^3। और ये चीज जरूर चेक करेंगे कि जो हमारा डिटेल्स दी हुई है वो एसआई सिस्टम में है भी या नहीं। और हमें डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है 0.5, मतलब कि 0.5 किलोमीटर। 0.5 को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि किलोमीटर हमारी क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट की यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 500 मीटर, ठीक है। और हमें टाइम ड्यूरेशन कितना दिया हुआ है 10 सेकंड, ठीक है। अब देखिए हमें दो चीजें पता करनी है, एक तो एक्सेलरेशन और एक क्या पता करना है फोर्स। तो फोर्स का जनरल फॉर्मूला आपको पता है, एफ इक्वल टू कितना होता है एम ए, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमें पता है और हमें अगर एक्सेलरेशन पता चल जाए तो बहुत आसान हो जाएगा। और एक हिडन डिटेल भी दी हुई है जो आप लोग गौर करे हो या नहीं, आई डोंट नो। A truck of mass 5 × 10^3 kg is starting from rest. मतलब if it is starting from rest, that means कि its initial velocity is zero. ठीक है? तो अब एक basic formula आ रहा है जिसमें ये तीनों आते हैं, इसमें देखिए कौन आ रहा है भाई, हमें time पता है, u पता है, और time पता है, acceleration नहीं पता, मतलब सब कुछ पता है सिवाय acceleration के। इस equation को use करेंगे तो क्या होगा हमारा s इक्वल टू, देखोगे सिंस s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जो वैल्यूज पता है उनको उठा के रखिए। s कितना है आपका 500, u क्या है 0 इंटू टाइम कितना है 10 प्लस 1/2 इंटू a इंटू टाइम कितना है 10 सेकंड, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा 500, ये 0 हो गया, प्लस 1/2 इंटू a इंटू ये कितना हो जाएगा 100, और ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50। इसको जरा इधर ले आते हैं तो 500 इज इक्वल टू कितना आएगा 50 a, ठीक है, कितना हो जाएगा तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें किसी को जरा भी डाउट तो एक बार क्वेश्चन को फिर से देख ले, मैं यहाँ पे आपको बता नहीं सकता क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है, ठीक है। तो जरा आप लोग देखें इसे, सॉरी ये 50 था यहाँ पे, तो एक जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट होगा तो ये बचेगा आपका 10। यहाँ पे देखिए ये था 500 इज इक्वल्स टू 50 टाइम्स ए, ना कि 5 टाइम्स ए, तो 50 ए। मैं फिर से कर देता हूँ इस चीज को, मतलब हमें यहाँ से इक्वेशन में क्या मिल रहा है 500 इज इक्वल टू 50 ए, एक जीरो कैंसिल आउट होगा 500, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर हमारा एसआई यूनिट में आएगा क्योंकि हमने सारी चीजें एसआई यूनिट में ही करी। और रही बात दूसरे की, मतलब कि हमें फोर्स निकालना था, एफ इक्वल टू कितना होता है बेटा एमए, और एफ इक्वल टू मास कितना दिया है 5 × 10^3 × a कितना है 10, ये क्या हो जाएगा 5 × 10^4 kg। ये आपका एक न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया, इसे आप लोग नोट करें, इसको 10^1 कर लीजिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इस पे एक न्यूमेरिकल और करेंगे। न्यूमेरिकल क्या है हमारा, अ कार ऑफ मास 500 ग्राम्स। ऑब्वियसली ये खिलौने वाली कार है, रियल कार नहीं है, ठीक है। तो नोट करें जरा, ट्रेवल्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ यूनिफॉर्म ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड
फॉर 5 seconds. Then the brakes are applied. Then the brakes are applied, and the car comes to rest in 10 seconds. Calculate the retardation. मतलब कि calculate the retardation. जाहिर सी बात है फाइनली रुक जा रही है तो retardation होगा क्योंकि final velocity क्या हो रही है यहाँ पे जीरो हो रही है. दूसरा क्या है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ब्रेक्स आर अप्लाइड. मतलब यार इस क्वेश्चन को पहले हम लोग समझते हैं कि सब एक कार थी खिलौने वाली और पता नहीं इसमें ब्रेक कहाँ से आ गई लेकिन ये टोटली वर्चुअल कॉन्सेप्ट है. हमारी इक्वेशंस तो रियल है लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा वर्चुअल टाइप का है तो डोंट वरी अबाउट दैट जस्ट फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट्स. एक 500 ग्राम की कार है ठीक है कार है या खजूर का डब्बा है खैर कार है 500 ग्राम की दैट इज ट्रेवलिंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 seconds. मतलब यहाँ पे एक चीज तो कंफर्म हो गया कि हमारी वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है तो देयर इज नो एक्सेलरेशन इनिशियली. बट एक चीज हमें यहाँ पे मिल रही है कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 25 मीटर पर सेकंड. ठीक इनिशियल वेलोसिटी 5 सेकंड तक चले. ये एक समझ लीजिए आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए डेटा दिया हुआ है. थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों का अगर अच्छा होगा तो आप लोग समझोगे कि 5 सेकंड तक ये 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है. तो दैट मींस इफ द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म देन इट इज ऑब्वियसली दैट इट इज ऑब्वियस दैट कि द कार इज नॉट एक्सेलरेटिंग. ठीक है 5 सेकंड के बाद ब्रेक्स अप्लाई किया गया. जाहिर सी बात है ब्रेक अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कार की स्पीड में कमी आएगी. And the car comes to rest in 10 seconds. मतलब कि अब हमें जो केस कंसीडर करना है ये 5 सेकंड को भूल जाना. भाई 5 सेकंड चलती रही वेलोसिटी में कोई चेंज आया नहीं तो हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन में कोई चेंजेस आएंगे नहीं. तो हमारा टाइम कितना लग रहा है इसको रुकने में 10 सेकंड. ठीक है और 10 सेकंड क्या हो रहा है जैसे मान लो हम लोग देखते हैं कार फाइनली रेस्ट पे आ गई ना तो फाइनल वेलोसिटी कितनी रहेगी जीरो. और इस वेलोसिटी से रेस्ट पे आने के लिए कितना टाइम लगा है हमारा 10 सेकंड. ये चीज क्लियर है. अब हमें पूछ रहा है कि कैलकुलेट द रिटार्डेशन. एक बात ईमानदारी से बताइए कि हमारे पास इक्वेशन क्या है वी इज इक्वल्स टू यू प्लस 80. फाइनल वेलोसिटी हमारी जीरो है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 25 प्लस एक्सेलरेशन हमें पता नहीं और टाइम क्या है हमारा 10 सेकंड्स. 25 इधर जाएगा कितना आ जाएगा -25 और एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा सेकंड में रखिए 10 a. तो ये एक्सेलरेशन इक्वल टू आ जाएगा -25/10 दैट मींस की 2 -2.5 मीटर पर सेकंड. तो एक्सेलरेशन कितना आ गया फाइनली -2.5 मीटर पर सेकंड. ये चीज एकदम मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हुई. ठीक है जरा नोट करें इसे. नाउ आई होप कि आप लोगों ने इस चीज को नोट कर लिया होगा. हम रफ कर देते हैं और हमारे पास एक डिटेल और बढ़ गई. मतलब कि हमारा एक्सेलरेशन जो है वो कितना है -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन की यूनिट जो होगी वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी. तो आप लोग इसे जरा करेक्ट कर लें. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. एक्सेलरेशन की यूनिट कितनी आई है आंसर कितना है -2.5. और ऑब्वियसली एज वी आर डीलिंग विद एसआई सिस्टम और हमारी सारी चीजें एसआई सिस्टम में दी हुई है तो हमारा क्या हो जाएगा ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आंसर आएगा. तो उस चीज को आप लोग करेक्ट कर लीजिए. ठीक है एक्सेलरेशन कितना है -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या इसे कह सकते हैं हमारा रिटार्डेशन कितना है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन को माइनस साइन के साथ बोलना ऑब्वियस सी बात है कि रिटार्डेशन के बारे में बोल रहे हैं.
एंड इफ यू आर सेइंग दैट रिटार्डेशन, तो वहां पे नेगेटिव साइन बोलने की या लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधा सीधा आपको 2.5 देंगे, ठीक है। अब हमारा क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। ब्रेक्स अप्लाई किया अगर हमें एक नया पैरामीटर पूछ रहा है जो कि क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट। इक्वेशन याद करिए, तीन इक्वेशन है, फिर से याद करते हैं भाई, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और एक वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, और एक एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। हमारे हिसाब से ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी लगा लीजिए, दोनों ही सेम, तो हम एस लगा दिया, लगाते हैं थर्ड वाली इक्वेशन, तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता करना है, ठीक है। और इट वॉज ट्रेवलिंग इनिशियली विद 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और टाइम आपको कितना दिया हुआ है, 10 प्लस 1.2, ए की वैल्यू कितनी आई, माइनस 2.5, यहाँ पे आपको माइनस के साथ रखना है अलॉन्ग विद साइन, माइनस 2.5 इंटू टी स्क्वायर, मतलब कि इंटू 10 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो एस इक्वल टू कितना आएगा, 250 प्लस, सॉरी ये माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस 1.2 इंटू 2.5 इंटू 100, ठीक है। तो आप इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 50 टाइम्स जाएगा, और एक जीरो यहां से कैंसिल होगा तो पॉइंट हट जाएगा, तो एस इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, 250 माइनस 25, ठीक है। इसको जरा इधर ले लेते हैं, एस इज इक्वल टू 250 माइनस 25, 125, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 125 मीटर। इसे आप लोग नोट करें, अब इसमें एक तीसरा क्वेश्चन भी ऐड किया जा सकता है, कैलकुलेट दी the force applied by the brakes, ठीक। तो force का simple formula हमारे पास क्या है, F is equals to ma, और हमें ये कितना पता है, माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको m कितना दिया हुआ है, 500 grams, इसको 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.5 kg, क्योंकि एसआई सिस्टम में ग्राम्स में नहीं होता, और हम इसे जब आगे सॉल्व करेंगे तो एफ इक्वल टू एम ए, मतलब कि 0.5 इंटू माइनस 2.5, अब देखिए एफ का नेगेटिव सिंबल यही इंडिकेट कर रहा है कि ये फोर्स क्या लग रहा है, अब मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब कि इफ द कार इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन देन द फोर्स इज अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन बाय द ब्रेक्स, ठीक है। इसे आप लोग नोट करें, तो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन में फिलहाल इतना ही, और आप लोग इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप मेरे यूट्यूब चैनल से ले सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो बाकी एक चीज़ और कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी अच्छा लगे, ठीक है, वीडियोज़ वगैरह बनाने में। तो स्टार्ट डूइंग न्यूमेरिकल्स एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।